जो भी चाहिए Z5 पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ये तेरा भाई है जो बचपन में तुझसे बिछड़ गया था। शंभर टक्के ये तुझसे बहुत प्यार करता है। देखना तुझे देखकर कितना खुश हो गया। पत्नी है ना अब बाप जी की। ये उपदेश अगर देना है ना तो उन्हें दीजिए। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? कि क्या बबड़ी 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 लगा के रखा है? हर मुजरिम से ऐसी बात करते हो क्या? नहीं देख सुरा है। चोरी की है मैंने तो गिरफ्तार करो मुझे। पुलिस वाले हो ना तो पुलिस वाले का काम करो। अब ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गिरफ्तार करो। क्या सोच रहे हो मल्हार? अपना फर्ज पूरा करो, गिरफ्तार करो इसे। अंकल, क्या गलत कह रहे हैं हम? हाँ सर, स्वरा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। क्या तमाशा लगा रखा है आप सबने? जब मैं बोल रही हूँ मुझे गिरफ्तार करो तो गिरफ्तार करते क्यों नहीं हो? सबके सब बस बातें बनाए जा रहे हैं। सरू बस कर बेटा, और कितना शर्मिंदा करोगे अपने भाई को? मल्हार बेटा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं माई? किसी माँ को अपने बच्चे के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। और छोटी बहन है मेरी, उसकी गलतियों की जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। हो गया तमाशा खत्म। चलें, ये मुझे गिरफ्तार तो कर नहीं रहे। हाँ चलोगी तुम घर, लेकिन उस घर में जो मल्हार जी का है, तुम्हारे दादा का है। हट जाओ मेरे रास्ते से। स्वरा देखो प्लीज, स्वरा एक बार मेरी बात शांत मन से सोच के देखो। तुम मल्हार जी से इतने सालों बाद मिली हो, तुम उनके साथ घर पे आओगी, उनके साथ वक्त बिताओगी तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ मेरा भी यही फैसला है, हम सबको मल्हार के घर चलना चाहिए। स्वरूप अब बस कर बेटा, कोई बहस नहीं, हम लोगों की बात मान ले। हाथ जोड़ती हूँ तेरे। बाबा मैं तो कहता हूँ कि आज के लिए नहीं, आप लोग हमेशा के लिए मेरे घर चलिए।